नमस्कार बंधुरा आमी बाबरी और आमार रान्ना बान्नाय आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। तो आज के सामने आरेक रेसिपी निये चले एसेछि। तो एकटा सब्जी रेसिपी निये एसेछि, एटा रुटी दिये खेते किन्तु भीषणई भालो लागे। तो चलुन रेसिपिटा एबार आमरा शुरू करी। तो एखाने आमी सिद्ध करा आलू निये निएछि। आलूगुलोके आमी खोसा समेत सिद्ध करे निएछि। तो प्रथमे खोसागुलोके आमी छाड़िये नेब। तो यह प्रत्येक आलू खोसा छाड़िए नेब। तो यह देखो सब आलूगुलो के छाड़िए नहीं हाथे करे आलूगुलो के एक भेजे नेब। प्रत्येक आलू के हाथे करे एक भेजे नेब। तो यह सब आलूगुलो के हाथे करे भेजे नहीं। तो यह आगे थी एक कड़ाई बसिए दीम। कड़ाई गरम हो गए एन एर मध्य दिए देव सर्षे तेल और ये देखो हमें नहीं पापड़ चारटे पापड़ नहीं। तो तेलर मध्य पापड़गुलो के दिए पापड़गुलो के भेजे नेब। तो यह सब पापड़गुलो के भेजे नेब। सब पापड़गुलो के भेजे नहीं तेलर मध्य दिए देव एन गोटा जिरे ये खूब मिहि रसुन और पिंज़ के कुचिए नहीं पिंज़ाओ दिए देव। इन बड़ो बड़ो दुटो पिंज़ दिए पिंज़टा हल्का एक भेजे नेब। तो पिंज़टा हल्का भेजे नहीं दीची हमें जिरेर गुड़ो हाफ चामच देव। हमें लंकार गुड़ो हलुदेर गुड़ो सामान्य एक जल दिए देव। नेड़े चेड़े नेब। और ये देखो हमें नहीं मीट मसला। तो ये हमें एक चामचर मत दिए देव मीट मसला। देव हमें गोलमरीचर गुड़ो और हमें एखे नहीं बीट नून। तो हमें रान्नार आगे बीट नून देव ताते करे स्वादटा आरो सुंदर होबे। हमें आरेकटु जल दिए दिलाम मसलाटा कषानोर जोन्नो। मसलाटाके आमि एकटु कषिये नेब। एखाने मसलाटा कषानो हये गेछे एखन एर मध्ये दिए देव चिनि देव हमें काचा लंका कुचानो। आड़े चेड़े नेब। तो काचा लंका दिए एक नेड़े चेड़े एखन आमी दिए देव एर मध्ये एक चामचर मतो टमेटो सस। एक नेड़े चेड़े नेब। देव हमें सामान्य एक जल एखन दिए देव जे आलूगुलो के एक हाथ कर भेजे नहीं आलूगुलो। आलूगुलो एक मसलार साथे मिसिए नेब। तो आलूटा देर पर किचुखण धरे एक कषिए नहीं मसलार साथे आलूटा के मीट पाचकर मत हमें एक कषिए नहीं मध्य दिए देव एन परिमाण मत जल। जलटा खूब एक दीब ना कारण आलूटा एखे सिद्ध कराई रही है। तो
এখন এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব। এখন যে পাঁপড়টাকে আমি ভেজে রেখেছিলাম সেটা আমি ছোট ছোট করে একটু ভেঙে নেব। এইভাবে আমি পাঁপড়গুলোকে ভেঙে নেব। পাঁপড়গুলো দেখুন সবগুলোই ভেঙে নিয়েছি। তো কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটাকে আমি খুলে নিলাম, তরকারিটা ফুটে উঠেছে আর একটা খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। এখন এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি আমচুর পাউডার। তো নামাবার আগে আমি দিয়ে দেবো একটুখানি আমচুর পাউডার। ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার যে পাঁপড়গুলো আমি টুকরো করে রেখেছিলাম সেই পাঁপড়গুলো উপর থেকে দিয়ে দেবো। দিয়ে একেবারে কম আছে, আমি এটাকে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখবো। কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটাকে খুলে নেব। দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর হয়ে গেছে। তো রুটি বা পরোটার সাথে খেতে কিন্তু এই তরকারিটা ভীষণই ভালো লাগবে। তো যদি আপনাদের রেসিপিটি আপনার ভালো লেগে থাকে তো আমার ভিডিওটি অবশ্যই একটু লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবেন। তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই।